नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स एंड फोटोग्राफी में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। DSLR कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो एक लेंस के माध्यम से लाइट को एक सेंसर पर रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। लाइट लेंस के माध्यम से कैमरे में प्रवेश करता है और एक धातु से बने सेंसर पर रिफ्लेक्ट होता है। जब लाइट सेंसर पर रिफ्लेक्ट होता है तो वह सेंसर द्वारा उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल दिया जाता है। फिर उस सिग्नल को एक प्रोसेसर में भेजा जाता है जो उसे एक दिखाई देने योग्य चित्र में बदलता है। आखिरकार चित्र को एक मेमोरी कार्ड में स्टोर किया जाता है जो बाद में आप इसे अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। एक DSLR कैमरा के अलावा एक मिररलेस कैमरा भी होता है जो इसी प्रकार काम करता है लेकिन बिना मिरर वाला होता है। एक DSLR कैमरा में एक मिरर आवरण एक मार्ग प्रदान करता है जो आपको लाइव व्यू देखने की अनुमति देता है। जब आप शटर बटन दबाते हैं तो यह मिरर आवरण ऊपर उठ जाता है जिससे लाइट सेंसर तक पहुंच सकती है। फिर लाइट सेंसर चित्र को डिजिटल सिग्नल में बदलता है जो एक इमेज प्रोसेसर द्वारा दिखाई देने योग्य चित्र में बदलता है। एक मिररलेस कैमरा में मिरर आवरण नहीं होता है, इसलिए यह बहुत कम वजन और कम आकार का होता है। इसके बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर का उपयोग किया जाता है जो आपको लाइव व्यू देखने की अनुमति देता है। जब आप शटर बटन दबाते हैं तो लाइट सेंसर तक लाइट पहुँचती है जिससे उसे एक इमेज प्रोसेसर द्वारा दिखाई देने योग्य चित्र में बदला जाता है। अंत में एक DSLR या मिररलेस कैमरा आपको विभिन्न फीचर्स और ऑप्शंस प्रदान करती है जो आपको अपनी फोटोग्राफी में सुधार करने और अधिक समर्थित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।